चॉकलेट स्टरर, इसे ऐसे भी खाया जाता है और दूध में मिला के भी पिया जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बटर स्कॉच स्टरर बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये मिल्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है, ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके लिए हमें इसे रफली चॉप कर लेना है और इसको हमें सील बंद करके रख देना है और फ्रिज में नहीं रखना है, इसे बाहर ही हमें रख देना है। मैंने ये 80 ग्राम चॉकलेट लिया था तो मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। अब मैं इसे ग्लास बाउल में डाल के माइक्रोवेव करूंगी। इसे मैं ये 30-30 सेकंड के लिए दो बार माइक्रोवेव करना है। मैंने एक बार माइक्रोवेव करके हमें स्टर करना है, फिर से माइक्रोवेव में रख देना है और फिर 30 सेकंड स्टर करना, रखने के बाद फिर से स्टर करना है, नहीं तो ये हमारी चॉकलेट जमने लग जाती है। अब इसमें हम थोड़े से बटर स्कॉच डाल देंगे। आपके पास बटर स्कॉच ना हो तो आप इसमें वॉलनट डाल सकते हो, कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मैंने ये छोटा चाय का गिलास ले लिया है, मैं अब इसमें डाल दूंगी इसे। आप कोई सिलिकॉन मोल्ड भी ले सकते हो, उसमें भी डाल सकते हो। ये मैंने जो चॉकलेट का बैटर है ये ग्लास में डाल दिया है। अब मैंने ये आइसक्रीम की स्टिक ले ली है, ये मैं इसके बीचों बीच लगा दूंगी। अब हम इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे और ये 15 से 20 मिनट में सेट हो जाएगा। अब मैं वॉलनट स्टरर बनाऊंगी। उसके लिए मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले लिया है और मैंने ये लगभग 100 ग्राम ले लिया है। इसको भी मैं रफली चॉप कर लूंगी और एक ग्लास बाउल में डाल के इसे भी 30-30 सेकंड वैसे ही हमें स्टर करके मेल्ट कर लेना है। इस तरह से मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया है। अब मैं इसमें वॉलनट मिला दूंगी और थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। अब इसे भी मैं एक गिलास में डाल लूंगी। इस तरह से मैंने ये गिलास में डाल दिया है और बाकी के वॉलनट मैं गार्निशिंग में यूज कर रही हूं। तो अब मैं इसके भी बीचों बीच एक स्टिक लगा दूंगी और इसको भी फ्रिज में सेट करने के लिए 15-20 मिनट के लिए रख दूंगी। अब मैं केसर पिस्ता स्टरर बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट ले लिए, इसमें से मैंने ये 100 ग्राम चॉकलेट निकाल लिए, बाकी के पैक करके मैं रख दूंगी। इसे भी हमें रफली चॉप कर लेना है। हम इसे भी वैसे ही मेल्ट करेंगे जैसे हमने दोनों बाकी की चॉकलेट को मेल्ट किया है। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है तो मैं केसर पिस्ता बना रही हूँ, तो थोड़े से मैं केसर के धागे डाल देती हूँ, तोड़ के डाल दूंगी। थोड़े से मैं पिस्ता डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं ये येलो फूड कलर डाल रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये मैं पाउडर वाला ही डाल रही हूँ, आप लिक्विड वाला नहीं डालना क्योंकि चॉकलेट में पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से हमें इसे भी ग्लास में डाल देना है और 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। गार्निशिंग के लिए मैं थोड़े से पिस्ते और थोड़ी सी वर्मीसिली मैं उसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ। इसमें भी हम इस तरह से स्टिक लगा के बीचों बीच रख देंगे। अब मैं ट्राई कलर स्टरर बना रही हूँ, तो मैंने ये मिल्क चॉकलेट पहले मेल्ट की है तो सबसे पहले मैं ये डाल दूंगी। अब इसे हम 5 मिनट सेट होने देते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे भी सेट हो जाती है और फ्रिज में हम इसलिए सेट करते हैं ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। ये पहले वाली लेयर जो है हमारी सेट हो गई है, तो अब मैं इसे डार्क कंपाउंड की चॉकलेट की लेयर इसमें डालूंगी। इसे भी हम 5 मिनट सेट होने देते हैं, उसके बाद हम व्हाइट चॉकलेट की लेयर इसके ऊपर डालेंगे। दूसरी लेयर भी हमारी सेट हो गई है तो अब मैं व्हाइट चॉकलेट की लेयर इसके ऊपर डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स डाल दूंगी और अच्छे से इसे टैप कर देना है।
उसके ऊपर अब मैं एक स्टिक लगा दूंगी और इसको भी मैं फ्रिज में सेट करने के लिए 15-20 मिनट रख दूंगी। चारों तरह की चॉकलेट स्टरर हमारे सेट हो गए हैं और मैंने ये फ्रिज से निकाल लिए हैं। बटर स्कॉच इजीली निकल जाते हैं कप से, केसर पिस्ता, वॉलनट, ट्राई कलर। इस तरह से आप भी चॉकलेट स्टरर बनाइए। त्योहारों का सीजन है तो आप इसे गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हो। आप इसे ऐसे ही खाइए या दूध में मेल्ट करके खाइए तो ये बहुत अच्छी लगेगी, आसानी से बन जाएगी और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।